नमस्कार दोस्तों, ए फे रियल इस्टेट चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रोजेक्ट SG सीकर हाइट्स है, तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो प्रोजेक्ट की अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो SG सीकर हाइट SG इस्टेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, और SG इस्टेट ने इसके पहले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए फ्लैट या घर का प्लान कर रहे हैं तो आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, SG शिखर जो प्रोजेक्ट है ये सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड है। सिद्धार्थ विहार आपका नेक्स्ट टू इंदिरापुरम लोकेटेड है और बिफोर प्रताप विहार है। तो यहाँ पर अगर आप मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपका NH24 कनेक्टेड है, और अगर आप नोएडा सेक्टर 62 की तरफ से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली 3 to 5 मिनट की ड्राइव पे आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसका एक ओवरव्यू दिया है कि अगर आप प्रोजेक्ट के पास में आते हैं तो यहाँ पर अभी राइट नाउ कैसा व्यू दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के आसपास भी कई सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं उन प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये आपका गौर सिद्धार्थम का प्रोजेक्ट रहेगा, वास्तु होम्स का अवेटिंग प्रोजेक्ट है, और एपेक्स क्रेमलिन का एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, TNT डिजी टाउन है, TNT यूटोपिया, ये दोनों प्रोजेक्ट आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर मैं SG सीकर हाइट्स की बात करूँ तो ये आपका 2023 तक डिलीवर हो जाएगा। प्राइस की अगर मैं बात करूँ आपका, तो प्राइस आपका 54 लाख से स्टार्ट होता है 2BHK के सेगमेंट्स में, और आपका ये 1.8 CR लगभग 1.8 करोड़ रुपये तक का प्राइस है। अगर आप प्लान करते हैं लेने का तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी विजिट अलाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट इन मार्केट एरिया, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मार्केट भी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी बिल्डर्स यहाँ पे सोसाइटी आ रही हैं उन्होंने अपना एक हाई स्ट्रीट शॉप भी दे रखा है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट का, तो आपके प्रोजेक्ट के आसपास ही आपको नियर बाई काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जिसपे आप अपने डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट की जो भी सामान होते हैं आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देख रहे हैं फ्लैट, देन आप इस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के पर्पस से देख रहे हैं फिर तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हर एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं मेट्रो की बात करूँ तो आपका मैक्स टू मैक्स 1 से 2 किलोमीटर, नॉर्मल अगर मैं बस की बात करूं तो आपका NH24 डेली मेरठ कनेक्टेड है आपका। अगर आप मोहन नगर की तरफ जाते हैं तो भी आप यहां से ईजिली रिक्शा ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया टच कर सकते हैं। हिंडन एयरपोर्ट आपका यहां से 2 to 3 किलोमीटर आपका पड़ेगा, तो आप किसी भी साइड से दिल्ली भी टच कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 to 30 मिनट्स में नोएडा भी आपको 5 to 10 मिनट्स में टच कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी जो भी एक रीचिंग कैपेसिटी होगी वो कंपेयर टू अदर प्लेसेस काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर मैं प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री की बात करूँ तो अभी राइट नाउ इनका कंप्लीट एक टावर 3BHK जो सेगमेंट था पार्क फेसिंग का, वो कम्प्लीटली बिक चुका है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बुकिंग के लिए तो आप एज सुन एज अपना फ्लैट बुक कर लें, क्योंकि राइट नाउ सिद्धार्थ विहार लोकेशन में जो एक प्रॉपर्टी का हाइक है या जो प्रॉपर्टी वैल्यू लोगों को मिल रही है वो काफ़ी इंक्रीजिंग है। मीन्स अगर मैं इसके पहले के फ्लैट की प्राइस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 लाख लेस थे कंपेयर टू दिस टाइम। तो जो इन्वेस्टमेंट जो भी पर्सन कर रहे हैं उनका एज पर रिव्यू, उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, उनका इन्वेस्टमेंट का एक बेनिफिट है यहाँ पे, रिटर्न उनका काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर आप रेंट पर्पज से भी देते हो फ्लैट को यहाँ पे तो आपको एक अच्छा रेंट मिल जाता है यहाँ पे 2BHK एक नॉर्मल जो सेगमेंट आप 57 लाख का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अगर मैं उसके एक रिटर्न की बात करूं कि आपको कितना रेंट मिल जाएगा तो आपको 20+ thousand आपको एक रेंट यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इफ़ इट इज 3BHK तो आपको ये रेंट 30,000+ मिलने वाला है। तो आपका जो एक रिटर्न आता है वो भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर लोकेशंस। और यहाँ पर आप सिद्धार्थ विहार का जो एक काफ़ी मैनेज्ड योजना है गवर्नमेंट की, तो यहाँ की जो बेसिक एमिनिटीज हैं चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या सिवल लाइंस हो या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हो, ये काइंड ऑफ ऑल थिंग्स आर कम्प्लीटली प्री इंस्टॉल्ड। तो ये सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल हैं, तो इसमें ये रहता है कि अगर चीज़ें पहले से इंस्टॉल हैं तो आपके यहाँ आने वाले टाइम में कोई रोड ख़राब नहीं होने वाली है, जो आपकी जो भी चीज़ें बन गई हैं उनमें कुछ डिसबैलेंस नहीं होने वाला है,
या किसी टाइप का कुछ भी एक रिस्क नहीं फैक्टर होता है या ट्रैफिक इशू नहीं क्रिएट होता है आने वाले टाइम में। तो अगर आप यहाँ पे आप प्लान करते हैं इन्वेस्ट करने का, तो ये आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स गॉड ब्लेस, आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जाए। और आप दिए गए नंबर से अगर कोई आपको असिस्ट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्लैट कब लेना है। इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं, ऑन टेबल डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको हर एक टाइप की हमारे थ्रू एक सेल्स असिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिद्धार्थ विहार की लोकेशन में किसी और प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के वीडियोस अपडेट किए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें देखें और उन्हें लोगों को शेयर करें, और हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और सजेशन ज़रूर अपने डालें। और थैंक यू फॉर राइटिंग वर्ड्स जिन्होंने हमारे चैनल पे अपना सजेशन दिया है। तो आगे वीडियो में मैंने आपको जो भी फ्लैट्स अवेलेबल हैं उनका क्या कैसे क्या साइज है और उनकी प्राइसिंग क्या है, ये मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि उनका लाइक कैटेगरी कैसी है, किस टाइप से वो बने हैं, उनकी बालकनी कैसी है। तो प्रोजेक्ट में एक ओवरव्यू मैंने आपको डिलीवर्ड होने के बाद प्रोजेक्ट का एक व्यू कैसा आएगा, प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे, वो मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी बिल्डर के द्वारा प्रेजेंटेड है। तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी पुट की हुई है वो कम्प्लीटली बिल्डर द्वारा अनाउंस्ड है, और ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। तो अगर आपको आगे भी और अच्छी जानकारियाँ चाहिए और प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो भी हमारे डेली NCR के अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लीगल प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग